आहिल रजा खान। बंदूक की नोक पर बिल्लू रानी। गोली चली तो समझो हो गया काम तमाम। मगर जनाब ये आतंकवादी गोली तो तब चलाएंगे ना जब इन्हें गोली चलाने का मौका मिलेगा। अजी आज यहाँ गोली नहीं सनम की बोली चलेगी। कल तो कुछ गुंडे वुंडे आ गए, तेरे पास एक बंदूक पड़ी हो घर में, है तो नहीं? ये बंदूक जितनी हैवी है ना, इससे गोली मारने की जरूरत नहीं, उठा के सर पे मारो ना बंदा मर जाएगा। उठाने के लिए तो ताकत चाहिए। यार मैं तो अपनी आंखों से ही मारती किसी को, समझते हो? दिल की गोली चली मैनों की बंदूक से। आंख से मार, ट्राई। आओ यार क्या मारा इसने यार। अपनी आंखों से ही इनका काम तमाम कर देंगी। मेरी तो बड़ी कम आती है लेकिन जब और जब लड़की पलट देती है। आप दोनों के इरादे तो खुदा कसम बड़े ही खतरनाक हैं। मगर ये तो बताइए किसी की इतनी जुर्रत कि आहिल रजा खान की हवेली पर हमला बोले, बिल्लो रानी तनवीर को बंदूक से डराए। देखिए ना अभी तक मुझे लगता था कि सिर्फ तनवीर ही ऐसी है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और सारे जगह धमाके कर सकती है, लेकिन मेरे ही घर में मुझे ही रस्सी से बांध दिया गया है। मेरा बेटा को तो छोड़ दीजिए लेकिन तनवीर को ही बांध दिया गया और इस हवेली को उड़ाने की बात की जा रही है। टेररिस्ट और वो भी मेरे घर में। हाँ पहली बार ही डरी हूँ, वो भी इसलिए डर गई हूँ कि मेरी जान पे आ गई। अभी तक मैं सबको मारती थी और पहली बार मेरी जान खतरे में है तो मैं थोड़ा सा डर गई। घबराइए नहीं तनवीर मैडम, आपको बचाने के लिए बॉलीवुड का बॉस आने वाला है। तभी तो सनम किसी के आने का इशारा कर रही हैं। जी हाँ, अपनी फिल्म हॉलीडे को प्रमोट करने के लिए अक्षय कुमार आने वाले हैं, जो इस सीन में सनम के भाई बनकर सनम को बचाने आएंगे और इन गुंडों की धुलाई करेंगे। अक्षय बॉस की मूवी है, अक्षय बॉस उसको प्रमोट करने आ रहा है। मेरा बचपन का यार है वो अक्षय, विराट प्लीज इनका भाई है। हाँ मेरा भाई, यूसुफ मेरा भाई। मैंने नहीं बोला। अब जरा सोचिए कि क्या होगा इन गुंडों का, और गुंडे तो गुंडे, आहिल बाबू का क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि सनम का भाई खिलाड़ी 786 है। वो लिटरली है ना, जैसे बौछार आ रही है बुलेट्स की, वो मैट्रिक्स में देखा हमने इतनी सारी बुलेट, तो उसकी आंखों की बौछार आ रही है। अक्षय कुमार एकदम स्लो मोशन, ये यहाँ से गई है। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक।